गोपाल, काश मैं तेरी बात पहले मान लेती तो आज ही बुरे दिन न देखने पड़ते। बुरे दिन अभी गए नहीं बीजी, हवेली के अंदर ही है। इससे पहले कि वो दोनों डोंगी हवेली से भाग निकले, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। अजय, पुलिस को बुलाने की क्या है जरूरत? हम तो जा रहे हैं वहाँ खुद। जमाईराज, तुम भी? बुढ़िया जी, गुल्लू का है दौलत से रिश्ता। दौलत है जहाँ, गुल्लू है वहाँ। जवाई बाबू, ये आप क्या कर रहे? जवाई बाबू, देख क्या रहा है गोपाल, मार इसे, मार। अब लगता है तुझे शराफत का सबक सिखाना ही पड़ेगा। सबके मैं कुर्बान हो गया, नुकसान। अगर कोई अपनी जगह से हिला तो हिलाना। रुक जाइए, ये आप क्या करें? रुक जाइए, ये आप क्या करें? रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए, मेरी खातिर रुक जाइए, मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी? हाँ। अरे तुम तो नहीं हो पत्नी, तुम तो हो बेरल चेक, जो हो चुका है कैश। शाबाश शाबाश, दौलतमंद वही बनते हैं जो रिश्ते नातों की परवाह नहीं करते। चलिए पिताजी, चल गुल्लू। जब मैं नहीं था अपने बाप के साथ तो तू क्या करता है बे बात? बुड्ढे दाढ़ी वाले, जल्दी से माल दे दे, वरना उड़ा दूंगा तेरी ये नालायक औलाद। बड़ी बड़ी आंखें करके कुत्ते की तरह बात भौंक रहा था ना तू? अबे जा बे चुक। पिताजी, पिताजी, पिताजी। जाओ बाबू। गोपाल, 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 ये तूने क्या किया? इस कमीने के लिए तूने अपनी जान खतरे में डाल दी? हाँ नहीं बीजी, बीजी ये मेरी बहन का सुहाग है और मैं अपनी बहन के सुहाग को मिटने कैसे देता? देखा, लानत है तुम पर, तुमने मेरे भाई पर कितने जुल्म किए, लेकिन फिर भी उससे तुम्हारी जान बचाई। मुझे तुम्हें पति कहते हुए भी शर्म आ रही है। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें ले जाइए। सुनीता, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ भैया। बीजी, बीजी अगर इंस्पेक्टर साहब जवे राजो को ले गए तो लाली जी का नाम और इस हवेली की इज्जत खाक में मिल जाएगी। अगर ये यहाँ रहा तो अभी हवेली की इज्जत खाक में मिल जाएगी। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। नहीं बीजी। हाँ गोपाल, ले जाने दो। बीजी आप क्या कर रही है? ले जाने दो। ये क्या कर रहे हैं आप? बस कीजिए साहब, जो तूफान आपकी जिंदगी में आ गया है उसकी वजह से आप अपने आप को क्यों मिटा देना चाहते हैं? जी ये तो किसके लिए?
जिस मां ने जन्म दिया वही छोड़कर चली गई। एक मां मिली जिसने अपने आंचल में सारी दुनिया की नजरों से मुझे छुपा लिया। तुम्हारे भगवान ने उसे भी मुझसे छीन लिया। कोई नहीं बचा जिससे मैं प्यार कर सकूं या कोई मुझसे प्यार कर सके। क्यों मधु जी आपसे प्यार नहीं करती थी? उसका नाम मेरे नाम के साथ मत जोड़िए वरना जज साहब के काले कोट पर सफेद धब्बा लग जाएगा। लोग समझेंगे कि एक हरामी के साथ रिश्ता जोड़कर जज साहब को कोड़ हो गया। जिस तरह हम भूल गए आप भी भूल जाइए कि इस दुनिया में हमारा कोई है। तो फिर तोड़ दो इन चूड़ियों को अपने हाथों से जिन्हें प्यार की कसमों के साथ तुमने मुझे पहनाई थी। मेरे गले में तो तुम मंगलसूत्र नहीं डाल सके। फांसी का फंदा तो डाल दो ताकि किसी और की बाहों में जाने से पहले मैं अपने आप को खत्म तो कर दूं। पीछे मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। कोई किसी के लिए नहीं मरता मेम साहब, सभी जी लेते हैं। मेरी माँ भी मेरे बगैर कहीं जी रही है ना। एक औरत की गलती की सजा तुम दुनिया की तमाम औरतों को देना चाहते हो? विजय मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं तुम्हारे गम मांगने आई हूं। मुझे वापस मत भेजना। मैं वो घर छोड़ के आई हूं जिस घर ने तुम्हें वो गम दिए हैं। विजय मैं जीऊंगी भी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तो तुम्हारे साथ। हाँ विजय तुम अपने आप चलकर मेरे पास आती हो या मैं इस हरामी की लाश पर चलकर तुम्हारे पास आऊं? इस हरामी की लाश पर चलकर तुम्हारे पास आऊं? क्या हुआ राजा बाबू को? यह होश में आए तो इसे कह देना कि मैंने इसकी जिंदगी को मौत का लिबास इसलिए नहीं पहनाया क्योंकि इस घर में रहने वाले के बहुत से एहसान है मुझ पर। दोबारा अगर इसने मेरे बीते हुए कल में झांकने की कोशिश की तो इसे आने वाला कल देखना नसीब नहीं होगा। राजा मेरा बेटा राजा, राजा क्या हो गया इसे? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? राजा होश में आओ राजा, डॉक्टर को बुलाओ राजा। बोल बेटा बोल। देखिए विजय कुमार की हिम्मत, अब तो आपके खून से भी होली खेलने लगा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसमें जरूर राजा की कोई गलती होगी। विजय कुमार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आप विजय को कितना जानते हैं आज मैं ये जानकर रहूंगी। मेरे बेटे के खून से बदबू आती है और उस कमीने के पसीने से महक आती है। आज इस बात का फैसला होकर रहेगा। एक बाप अपने बेटे के खून को बहता हुआ देख सकता है मगर माँ नहीं।
मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। अंधेरे में बैठकर अपना मुंह क्यों छुपा रहा है? अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है तो आकर इस मां से मुकाबला कर जिसका खून तूने पानी की तरह बहाया है। जा कहां रहा है? जवाब क्यों नहीं देता? क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ा है? इसीलिए ना उसने कहा था तू इस दुनिया में जरूर आया है मगर बगैर किसी की मर्जी के। अरे तुझे तो तेरी मां भी पैदा करके खुश नहीं हुई। कोई मां अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग नहीं करती। तू उसके लिए बोझ था, इस धरती के लिए बोझ है। अगर तुझ में जरा सी भी गैरत है तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा या तो अपने हाथों से अपना गला घोट ले क्योंकि तू हरामी है। हरामी है, हरामी, हरामी है, हरामी।